और सहयोगी अंजनी हमारे साथ जिला स्कूल के पास से जुड़ गए हैं। अंजनी, अच्छी खबर है कि अब जो बच्चे प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो अब वो सारी सुविधाएं सरकारी स्कूल में पा सकेंगे। बहुत ही एक अच्छी और पॉजिटिव खबर। देखिए, राज्य में देखेंगे तो लगभग 80 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जोसना जिसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे पूरी तरह से विकसित करना है, और तमाम स्कूलों में जो है अलग अलग तरह के जो काम हैं वो शुरू हो गए हैं। जैसे इस सब जैसे रांची जिले में जितना रांची में 5 स्कूल हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें जिला स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बरियातू है, मॉडल स्कूल कांके है, नामकुम का आवासीय विद्यालय है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, और जगन्नाथपुर में टीवीएस स्कूल है। ये 5 स्कूल का सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो तमाम तरह के जो कागजी काम है वो पूरे कर लिए गए हैं, और अब स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है जोसना, और ये जो शिक्षक हैं जब पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर अपने स्कूल के अन्य शिक्षकों को वो लोग ट्रेनिंग देंगे। तो एक जो प्रोसेस है वो उसकी शुरुआत हो गई है, और ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से हम कह सकते हैं केजरीवाल ने जिस तरह से स्कूलों को सरकारी स्कूलों को बेहतर किया है, तो अब ये वक्त आ गया है झारखंड में कि झारखंड के भी जो स्कूल हैं वो धीरे धीरे उनकी तस्वीर और तकदीर बदलेगी, और बदलनी शुरू भी हो गई है। देखिए, ऐसे स्कूल हैं जहाँ गरीब बच्चे, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित होते हैं, लेकिन जब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल के तौर पे सीबीएसई स्कूल के तौर पे पूरी तरह से ये हो जाएगा तो तमाम चीज़ें बदल जाएंगी। पढ़ाने का तरीका बदलेगा, ड्रेस बदलेगा, सोच बदलेगी, खेल कूद में बच्चों को जोड़ा जाएगा, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का लैब होगा। तो हम कह सकते हैं कि और जो लाइब्रेरी होगा पूरी तरह से हाईटेक होगा, स्मार्ट क्लासेस होंगे, तो कई चीज़ें बदलेंगी। तो हमें लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ा हम पुश करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छा करेंगे, ये हम तमाम लोग उम्मीद करते हैं। देखिए, मैं अभी जिला स्कूल में कुछ बच्चों से बातचीत कर रहा था जोसना, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश में बात कर रहे थे। अब ऐसे बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो आप समझिए कि यहाँ के बच्चे जब पास आउट होंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे जगह में जॉब करेंगे, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, मैनेजमेंट हो। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसका भी गठन हो गया है, जिसमें शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं और विद्यार्थियों को भी रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो रास्ता है अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे उनकी भी तस्वीर और तकदीर बदलेगी, और एक बार में 2,500 बच्चे क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई करेंगे, और पूरी तरह से पैटर्न जो होगा इंग्लिश मीडियम होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी पहल है बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, एक बड़ी पहल है और एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। एक एक नई पहल के जरिए उन वर्ग को एक अभिजात वर्ग से जोड़ने की भी ये एक कोशिश हो सकती है, जहां पर बच्चे ये समझते थे कि उनके पास पैसे नहीं है और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं जो जो सुविधाएं दे रही हैं सरकार, जैसे स्मार्ट क्लासेस की बात आपने बताई, आपने ये बताया कि कई लैब इसमें होंगे तो बच्चों को बड़ी सहूलियत हो जाएगी, और देखिए बच्चों से ही हमारा भविष्य है। तो ये एक बहुत अच्छी और सराहनीय पहल है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अंजनी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन बनाए जाएंगे, 80 सरकारी स्कूल में काम शुरू होगा, काम की शुरुआत कर दी गई है 80 स्कूलों में, और बच्चों को स्मार्ट क्लासेस की सुविधा दी जाएगी, विद्यालयों में खेल कूद की भी सुविधाएं होंगी, पूरी तरह से हाईटेक हो जाएगा सरकारी स्कूल। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।